खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी की आज बड़ी बैठक हो रही है। अध्यक्ष अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्षों और सभी राज्यों के संगठन मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा की जाएगी। इस बात पर चर्चा होगी, हर राज्य का हिसाब किताब होगा कि बीजेपी की तैयारियों के मुताबिक वोट मिले या नहीं मिले। इसके साथ ही साल के आखिर में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। नीरज, समीक्षा जीत की कि जितना वोट चाहा था उतना मिला या नहीं मिला, लेकिन ये खास है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, उस पर पैनी नजर अमित शाह की। जी बिल्कुल शोभना, अमित शाह चूंकि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार ये पदाधिकारियों की बैठक हो रही केंद्रीय कार्यालय में। बैठक अभी थोड़ी देर में शुरू होगी क्योंकि अभी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे नहीं है, उनके माना जा रहा है अगले 2 मिनट पहुंच जाएंगे यहाँ पे और सारे पदाधिकारी लगभग पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी जिसमें सभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों को, संगठन मंत्रियों को और विशेष इन्वाइटी सदस्यों को बुलाया गया है। केंद्रीय पदाधिकारी भी सब यहाँ मौजूद हैं। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी और ये तय किया जाएगा कि हम लोगों ने जो पैमाना रखा था लोकसभा चुनाव के लिए वो पैमाना तय किया कि नहीं, और उसके अलावा जो 3 राज्यों के चुनाव है, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, इन चुनावों की तैयारियों को लेकर। और आपको मैं बता दूं, अमित शाह पहुंच चुके हैं, ये एक बड़ी खबर है। अमित शाह भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं और भाजपा के लगभग सभी वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्तर के कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, विनय सहस्रबुद्धे, अरुण सिंह, भूपेंद्र यादव, रामलाल, सब लोग यहाँ पे उनका स्वागत कर रहे हैं और भाजपा कार्यालय पहुंचने से सभी वरिष्ठ नेता उनको बुके देकर, फूल देकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको उनका अभिनंदन कर रहे हैं। चूंकि एक बहुत बड़ी जीत के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यहाँ पहली बार पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। आज पहली बार ये पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। बिल्कुल नीरज, हम अपने दर्शकों को भी ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से। अमित शाह वहाँ पहुंच चुके हैं, तमाम पदाधिकारियों की बैठक वो करेंगे, समीक्षा करेंगे जीत की कि जितना वोट उन्होंने सोचा था उतना मिला या अभी और भी आगे रहा है। आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी होगी अमित शाह की नजर। तो तमाम प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं इस समय बीजेपी मुख्यालय, और जीत के बाद ये बड़ी बैठक अमित शाह को आप देख सकते हैं। तमाम पदाधिकारी उनका स्वागत करते हुए बीजेपी मुख्यालय पर, कैलाश विजयवर्गीय भी हमें दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, भूपेंद्र यादव। तो आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति तय की जाएगी, उस पर भी चर्चा जरूर होगी इस बैठक में। और जिस तरीके का प्रचंड बहुमत लेकर बीजेपी पहुंची है उसके बाद इस बैठक की अहमियत और बढ़ जाती है। तो अमित शाह को आप देख सकते हैं अभिवादन करते हुए, तमाम पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है आज और समीक्षा भी होनी है कि जो प्रदर्शन 2019 के लोकसभा चुनाव में रहा वही आगे भी दोहराए बीजेपी। हम आपको बता दें इस साल के अंत में 3 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, उसको लेकर भी रणनीति पर चर्चा जरूर होगी।